गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 61 करेंगे। सांवले सपनों की यादें चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। इसमें हम सालिम अली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गुरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा नहीं। वे लोरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक है ये, सॉरी। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता था कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोज पूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? तो आगे इस चैप्टर को देखेंगे, इसमें से कुछ बचा होगा तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तो जो भी आपके इस वर्कशीट इससे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग क्या करना, एक बार दोबारा रिवाइज करने की कोशिश कर लेना, सो दैट कि अगर एग्जाम में इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट तो नहीं आएंगे, थोड़े से चेंज होंगे लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा हो जाए तो एक साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है बच्चा। तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सलीम अली किनके लिए एक पहेली बने रहेंगे और क्यों? जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली एक पहेली बने रहेंगे क्योंकि उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गुरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही और जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं था। किसने सालिम अली को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा और कैसे? बचपन के दिनों में सालिम अली की एयरगन से निकली गोली से एक नीले कंठ वाली गुरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घायल गुरैया की बुरी दशा देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एयरगन न चलाने का फैसला किया और पक्षियों की सेवा करने का निश्चय किया। इस प्रकार एक घायल गुरैया ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वे पक्षी प्रेमी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली को किस में विश्वास था? जिंदगी की ऊंचाइयों में, नरसैगी जिंदगी में, पहेलियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास बना रहा हमेशा। सलीम अली किस तरह बन गए थे और क्या बन गए थे? सलीम अली लोरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए, यानी कि उपसर्ग है तो उपसर्ग, प्रत्यय है तो प्रत्यय। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा ये आपको बताना है। तो नैसर्गिक जो होता है ना, जो प्रकृति होती है, स्वाभाविक होता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रत्यय आएगा नैसर्गिक, ठीक है, एक आएगा। प्रतिरूप शब्द में उपसर्ग प्रत्यय को अलग करना है आपको, उपसर्ग है तो उपसर्ग, तो यहाँ पे देखिए प्रतिरूप आ जाएगा हमारा, ठीक है। प्रतिरूप शब्द से आपको अलग करना था। तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।